पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से अचानक हो रहे भूस्खलन के चलते क्षेत्र का जायजा लेने के लिए भू वैज्ञानिक की टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ जिला अधिकारी नवनीत पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के चलते पूर्णागिरी धाम को टनकपुर क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग पर भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन का जायजा लेने के लिए भू वैज्ञानिक की टीम के साथ जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने माता पूर्णागिरी के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। जिलाधिकारी ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ पैदल निरीक्षण कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने जिलाधिकारी का स्वागत कर उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और क्षेत्र में होने वाली पेयजल समस्या एवं स्वास्थ्य समस्याओं के निदान की मांग की। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। अभी तत्कालिक जो है हमारे साथ भू वैज्ञानिक भी थे। एक तो जो आपने बताया कटौचे में जो घटना हुआ है तो उसका आज भू वैज्ञानिक निरीक्षण कर रहे हैं। शीघ्र ही मेरे पास सुझाव देंगे, वहाँ पे थोड़ा सा पानी की और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के बारे में बताएंगे। पानी के लिए जल संस्थान को और उन्होंने अनुरोध किया है कि एक एनएम या पानी सिस्टम आगे बना दी जा सके, तो उसके लिए मैं जिला मुख्यालय जाकर थोड़ा कह सकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।